हरे कृष्ण राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के लिए हमें सफला एकादशी का व्रत पूजन करना चाहिए। ये पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। कहते हैं कि इस व्रत पूजन को करने से, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से इस दिन हमारे सभी कार्य संपूर्ण होते हैं। तो यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है या आपका काम नहीं बन पा रहे हैं, सफला एकादशी का आप पूजन अवश्य रूप से करें। यदि आप इस दिन व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अवश्य रूप से करें। तो भक्तों, देखिए मैंने यहाँ पर चौकी लगाई है। चौकी आप पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके लगाएं। पूजा करने वाले का मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। चौकी के नीचे आप स्वास्तिक बनाएं, रंगोली बनाएं, फिर चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं। और इस तरह से मैंने यहाँ पर दीप कलश की स्थापना की है और भगवान विष्णु जी की फोटो स्थापित की है, साथ में लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान किया है। और आज के दिन वरुण देव जी का पूजन जरूर से करना चाहिए। हाथ में अक्षत यानी सफेद तिल और पुष्प लेकर के हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे कि आप सभी आइए, हमारी चौकी पर विराजमान हो जाइए और अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में सभी में छोड़ देंगे और प्रार्थना करेंगे कि अपने पूजा करने का सौभाग्य हमें प्रदान कीजिए। गंगा जल और जल से छीटा कर देंगे, शुद्धिकरण कर देंगे। इस प्रकार से भक्तों, मैंने लड्डू गोपाल जी का स्नान पहले ही करा दिया था क्योंकि ठंड का मौसम है, तो गुनगुने पानी से पहले ही स्नान करा दिया था। बाकी हम सांकेतिक स्नान कराएंगे इस प्रकार से। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर करूंगी। वीडियो भक्तों लास्ट तक पूरा देखें। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और मैं आपको बता रही हूँ, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य रूप से लिखिएगा। तो भक्तों, गणेश जी का ध्यान करते हुए और अग्नि देवता का ध्यान करते हुए दीपक को हम प्रज्वलित कर लेंगे और उसके बाद हम इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा समर्पित सभी को करेंगे। तो इस प्रकार से हमें ये पूजन करना होता है। तो पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते रहें या विष्णु जी के जो भी नाम हैं उनके नामों का भी जाप कर सकते हैं। तो हम यहाँ सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। भक्तों, आप ये पूजा अपने घर के मंदिर के पास भी कर सकते हैं या फिर आप इस प्रकार से चौकी लगा करके भी अलग से ये पूजन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जनेऊ अर्पित कर देंगे। भक्तों, यदि आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप वस्त्र रूपी कलावा या कच्चा जो सूत आता है उसे सात बार लपेट करके आप जनेऊ का भाव करके समर्पित कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर लड्डू बाबू को अच्छे से हम इत्र लगा देंगे। भक्तों, बहुत ठंड होती है ना, तो मैं पंचामृत से स्नान नहीं करवाई हूँ। सांकेतिक स्नान करा सकते हैं, अगर आपके पास विग्रह हो तो कराएं। उसके बाद हम यहाँ पर चंदन रोली से टीका करेंगे। बस यहाँ पर मैंने जल से ही छीटा लगाया है। तो इस प्रकार से हमें ये पूजन करना होता है। भक्तों, तुलसी की लकड़ी से हमें ये एक दीपक जलाना होता है, वो मैं बताऊंगी किस प्रकार से बनता है। तो देखिए, हम यहाँ पर दीपक का भी पूजन करते चलेंगे। भक्तों, कलश की स्थापना आप बिना कलश की स्थापना किए बगैर भी इस पूजन को कर सकते हैं और कलश की स्थापना करके भी कर सकते हैं, क्योंकि भक्तों ये वर्ष में एक ही बार आती है, तो इसलिए हमें यहाँ पर कलश की मैंने यहाँ स्थापना करी है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हैं। तो भक्तों, एकादशी की जो शुरुआत है तीन दिन चलती है, दसवीं तिथि से शुरू हो जाती है और द्वादशी के दिन समाप्त होती है। जो इसका शुभ मुहूर्त है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इसका शुभ मुहूर्त भी देख सकते हैं। भक्तों, एकादशी व्रत के दिन लिए दशमी के दिन सिर्फ दिन के वक्त सात्विक आहार लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद हमें दातुन कर लेना चाहिए, पवित्र हो जाना चाहिए। रात्रि के समय भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी का दिन है तो हम सभी में सफेद अक्षत यानी सफेद तिली सभी को समर्पित करेंगे, तभी हमारा टीका संपूर्ण माना जाता है। और भगवान के स्वरूप का स्मरण करते हुए सोना चाहिए दशमी तिथि के दिन।
सफला एकादशी के दिन सुबह सुबह जल्दी उठे और स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि हो सके तो आप पीला वस्त्र जरूर से पहने। तो देखिए भक्तों, मैं यहाँ पर एक विशेष दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। जो ये विशेष दीपक है, किस प्रकार से बनाया जाता है, उसका लिंक में आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। ये जो मैंने दीपक बनाया है, तुलसी की जो लकड़ी आती है, मंजरी आती है, उससे बनाया है। तो चलिए हम दीपक का भी पूजन करते हुए चलेंगे। भक्तों, जो दीपक में भी तिल डालने होते हैं, तिल छिटकने होते हैं, क्योंकि तिल जब चटकते हैं तो हमारे जीवन के सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। गणेश जी को हम यहाँ दुर्वा और लाल फूल अर्पित कर देंगे, समर्पित कर देंगे। जो भी आपके पास पुष्प हो, आप उस पुष्प से भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। भक्तों, भगवान विष्णु जी को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है, तो आप ज्यादा से ज्यादा पूजा में पीले रंग का ही प्रयोग करें। भक्तों, मैंने भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाया। आप यहाँ तिली के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, क्योंकि पोष का महीना है और उसमें तिल गुड़ का विशेष महत्व होता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा तिल का प्रयोग करें। तो हमने यहाँ लड्डू बाबू को भी आराम से पुष्प अर्पित कर दिया है, और जो वरुण देव हैं उनका भी पूरे विधि विधान से पंचोपचार से पूजन करते हुए चलेंगे। भक्तों, पूजन के दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहें, जाप करते रहें, और यह आप व्रत रख कर भी कर सकते हैं और बिना व्रत करे भी इस पूजन को कर सकते हैं। जो भी व्रत रखते हैं, जो एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें सही अच्छे से मालूम होता है कि व्रत कैसे किया जाता है। तो देखिए, आज के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी की मंजरी सहित हम अर्पित करेंगे। भक्तों, एकादशी के दिन हमें तुलसी को छूना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि तुलसी माता का भी भगवान के प्रति निर्जला व्रत होता है, उन्हें स्पर्श नहीं करना होता है। तो आप दूर से ही उनका पूजन करें। शाम के समय उन तुलसी माता के पास घी का दीपक जरूर से जलाएं। एकादशी का दिन है तो आप 11 दीपकों का भी दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी को धूप दीप दिखाएंगे। भक्तों, धूप दीप दिखाने से वातावरण सुगंधित होता है, तो आप जरूर से जलाएं। और भक्तों, इस सामग्री से भगवान श्री विष्णु जी की, साथ में आप आज के दिन माता लक्ष्मी जी का भी पूजन साथ में कर सकते हैं। मैंने यहाँ माता लक्ष्मी जी को विराजमान नहीं किया है, मैं सिर्फ नाम से ही पूजन कर रही हूँ। तो देखिए भक्तों, मैंने यहाँ पर जो तुलसी की मंजरी होती है, उसकी लकड़ी से मैंने यहाँ विशेष दीपक बनाया है। ये दीपक किस प्रकार से बनाया जाता है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, मेरे चैनल पर आ चुका है, आप उसे देख सकते हैं। ये दीपक आप एकादशी के दिन भी जला सकते हैं, और प्रतिदिन भी आप लड्डू गोपाल जी के सामने, भगवान विष्णु जी के सामने जला सकते हैं। इस प्रकार से तैयार किया जाता है, तो आप इसमें घी या तिली का तेल डाल करके भी आप जला सकते हैं। उसके बाद एकादशी का दिन है, तो मैंने यहाँ पर भोग प्रसाद सभी को समर्पित कर दिया है, और यहाँ अग्यारी करेंगे। पोष का महीना है, तो मैं यहाँ एक छोटा सा हवन कर रही हूँ। आप चाहे तो छोटा सा हवन कर सकते हैं, यदि ना चाहे तो ना करें, कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल ही है। पोष का महीना है, तो यहाँ पर हम छोटी सी अग्यारी करेंगे और मंत्रों का जाप करेंगे। भक्तों, जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है, तो आप यहीं पर बैठकर विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें, विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इस तरह से हम अग्निदेव को पुष्प अर्पित कर देंगे और यहाँ पर अग्यारी करेंगे। मैं नारियल के थोड़े से टुकड़े डाल रही हूँ काट करके, तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आप ऐसे हवन की सामग्री भी डाल सकते हैं। तो अग्नि देवता का ध्यान करते हुए हम अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं। भक्तों, जो ये पूजन है बहुत ही खास है, तो आप इस तरह से पूजन जरूर से करें। और रात्रि के समय श्री हरि नाम के नाम से आप जागरण भी करें। यदि आप जागरण नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा सा दीपक लेकर के उसे जला करके अगले प्रातः तक जलते हुए छोड़ दें, इससे आपका जागरण भी संपूर्ण हो जाएगा। रात्रि में जागरण भी कर सकते हैं। तो यह मैंने तिल गुड़ और घी लिया है, इससे हम मंत्रों का जाप करते हुए अग्नि में आहुतियां डालेंगे। तो इस प्रकार से आप 5-7 जितनी चाहे आप उतनी आहुतियां डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये
आहुतियां डाली हैं। तो भोग प्रसाद आप फलाहारी ही रखें, जब आप व्रत खोलते हैं तो इसी प्रसाद को ही ग्रहण करके ही अपने व्रत का पारण करेंगे। तो यहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आहुतियां डालते रहें। तो इस तरह से हमें ये हवन कंप्लीट करना है, संपूर्ण करना है। और उसके बाद में भक्तों आपको बता दें कि एकादशी के दिन चावल खाना मना होता है, इसलिए इस दिन अपने घर में ना खुद चावल खाएं ना ही किसी को खाने दें। और द्वादशी के दिन आप ब्राह्मणों को कुछ दान दे करके ही शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करें। पारण कैसे किया जाता है, आप तुलसी का पत्ता ले लें और जल ले लें, तुलसी को बिना चबाए हुए उसे निगल लें, इस तरह से व्रत का पारण किया जाता है। और शुभ मुहूर्त में क्या का गया पारण, व्रत का सुफल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम गणेश जी की आरती उतारेंगे, भगवान की आरती उतारेंगे कपूर से। तो आरती आप आरती गा करके भी आप आरती उतार सकते हैं, ओम जय जगदीश हरे, या फिर सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए आरती उतार सकते हैं। भक्तों इस दिन एकादशी के दिन व्रत के समान यज्ञ तीर्थ दान तप तथा कोई दूसरा व्रत नहीं है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने से पहले पारण कर लिया जाता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर पूजन करना होता है। तो भक्तों अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर से निकालें। तो इस प्रकार से हमें ये पूजन करना है और हरी चंदन लगाएं। आप चाहें तो आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और जो ये दीपदान है आप किस कहाँ कहाँ जलाना है, तो जैसे हम हाथ में जल ले लेंगे सभी चीजों को मिनस देंगे। मिनसनेस ये होता है भोग प्रसाद भगवान सह स्वीकार कर लेते हैं और प्रार्थना करेंगे भूल चूक गलती के लिए। तो ये दीपक आप केले के पेड़ के पास, तुलसी माता के पास, आंवले वृक्ष के पास, पीपल वृक्ष के पास, वट वृक्ष के पास, चाहे तो ये सारे दीपक आप भगवान विष्णु के पास में भी जला सकते हैं। आटे के दीपक या फिर मिट्टी के दीपक भी जला सकते हैं बना करके। सफला एकादशी के दिन तो बहुत ही खास दिन है, तो आप सुबह में पूजा नहीं कर पाए तो शाम के समय एक बार जरूर से पूजन करें। तो भक्तों ये जो पूजा हो जाती है तो भोग प्रसाद परिवार जन में बांट लें और परिवार सहित ग्रहण करें। चौकी का विसर्जन अगले दिन करना होता है, यानी द्वादशी के दिन करना होता है। जो फूल पत्तियां हैं उसका आप भूमि विसर्जन जल विसर्जन कर सकते हैं। जो कलश का जल है वो आप पूरे घर में छिटक दें, जो जल बच जाता है वो तुलसी के गमले आदि में डाल दें। गणेश जी की मूर्ति को अपने स्थान सभी मूर्तियों को स्थापित कर दें। जल का लोटा अब प्रसाद में ग्रहण करें। राधे राधे।